इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस में बार का वकील कौन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इख्तलाफात सामने आ गए। एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एहसन भून और सदर ने मुक्तदर अख्तर शबीर को वकील नामजद कर दिया। 17 रुकनी एग्जीक्यूटिव बॉडी में से 9 अरकान ने एहसन भून के हक में करारदाद पास की। पीटीएम और मरियम नवाज के जजेस पर हमलों का एक ही मकसद है, ये अदलिया पर हमले करके आईन की खिलाफ वर्जी और इंतखाबात से फरार चाहते हैं। पाकिस्तान में जंगल के कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा रहा है, इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान के अंदर हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको प्रोटेक्ट करना है, और इसलिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि इदारे अगर होंगे तो आईन बचेगा। एक ही पार्टी है पाकिस्तान में जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बकायदा फिजिकली हमला किया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर एक सियासत खेल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करना इनका मकसद है। इस वक्त 200 से ज़्यादा कारकुन तहरीके इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं, हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन को बचाने की वाहिद उम्मीद। नून लीग का मकसद सिर्फ अदलिया को कमजोर करना है, उन्होंने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। हुकूमत इस वक्त सिर्फ साजिशों में लगी हुई है, इदारे नहीं होंगे तो आइन नहीं रहेगा। 200 से ज्यादा कारकुन और सफे अव्वल की क्यादत जेलों में बंद है, लीडरशिप ने रिहाई की पेशकश मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का चौथा रोज लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी के बाद मुल्तान में मैदान लग गया। आमिर डोगर, ऑन अब्बास और दीगर गिरफ्तारियां देने को तैयार। 200 से ज्यादा कारकुन भी गिरफ्तारी पेश करेंगे। पीटीआई की जेल भरो तहरीक। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी अडियाला से डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर मुंतकिल। दीगर 41 कारकुनों को हाफिजाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। 1 माह की नजरबंदी के अहकाम। जाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह दी जाए तो सियासत नहीं रहती। गुजश्ता 4 साल मुल्क के वसाल को बेदर्दी के साथ लूटा गया। तमाम मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगी। अपने दौरे इक्तदार में मुल्क की हकीकी खदमत करके जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। फॉरन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान खान को 28 फरवरी को पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के वोखला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जमा करवा दी। इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर। पॉलीक्लिनिक या पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाकर इमरान खान की तिबी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। FIA के इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट से इस्तदा। ऑडियो लीक मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। ऑडियोज का ट्रांसक्रिप्ट और मुसद्दिका दस्तावेजात मुंसलिक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने यास्मिन राशिद की दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। जब से खान साहब के ऊपर कातलाना हमला वज़ीराबाद में हुआ है तब से हमें इस बात पे शक है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही, और सही तरीके से ना करने की वजह है कि हम इस बात पे पक्के हैं कि इसके अंदर राणा सनाउल्ला, इसके अंदर शहबाज शरीफ शामिल हैं, और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो दरमियान इन्वेस्टिगेशन के 4 अफसरान ऐसे
जिन लोगों जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे पता चला कि वो उन पे दबाव पर डाला गया और उन्होंने सारा हमारा एविडेंस खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राणा सनाउल्लाह मुलविस हैं, यास्मीन राशिद का इल्ज़ाम। कातिलाना हमले के शवाहिद को ज़ाया करने की कोशिश की गई। पहले से मौजूद GIT को काम नहीं करने दिया गया। नई GIT में वो चार लोग शामिल हैं जिन्होंने केस खराब किया। इमरान खान कहते हैं हमले में मौजूदा हुकूमत मुलविस है। पीटीआई रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट बता देगी इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, खिलाफ वर्जी पर कौन जेल जाएगा। सारी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। 13 जमातें इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से फरारी हैं। क्या चचा का बचत प्लान भतीजी की शाहाना सिक्योरिटी पर लागू नहीं, शेख रशीद की तनकीद। PTI के 9 साबिक अरकान कौमी असम्बली सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। नशिस्तें बहाल करने और जिमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 16 मार्च के जिमनी इलेक्शन का जवाब नहीं रहता, दरख्वास्त में मौके। PSL के अखराजात, पंजाब की निगरान काबीना का अहम इजलास आज तलब। काबीना तहाल PSL के लिए 50 करोड़ देने पर तैयार नहीं। 25 करोड़ मुल्तान, 10 करोड़ रावलपिंडी और 10 करोड़ पुलिस के लिए खर्च हो चुके। पिछले साल भी सिक्योरिटी और लाइट्स की तंसीब पर 60 करोड़ खर्च हुए। NA 193 राजनपुर में जिमनी इंतखाबात का मार्का कल मैदान लगेगा। PTI के मोहसिन लगारी और नून लीग के अमाल लगारी में जोर का जोड़। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी भी किस्मत आजमाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत के जिमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। NA 193 जिमनी इलेक्शन, लोगों को धमकाने के लिए FIR दर्ज की जा रही है। जामपुर के अवाम इतवार को वोट डालने के लिए निकले और खौफ के बुद्ध को तोड़ें। हर हरबे और धांधली के बावजूद PTI उम्मीदवार ही जीतेगा, इमरान खान। बहरान पर काबू पाने के लिए इकदामात। कराची में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। कमिश्नर कराची का नया हुक्मनामा जारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को वफाकी हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद कराने की हिदायत। बिजली की लोड शेडिंग, गर्मियों में कड़ाके निकालने को तैयार। मार्च और अप्रैल में शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंचने का खदशा। मुआशी बदहाली के बायस ईंधन की कमी का सामना। थर्मल पावर प्लांट्स मुकम्मल सलाहियत से चलाने में दुश्वारी। बंद बिजली की पैदावारी सलाहियत 30% तक रहने का इम्कान। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। वकला का जोशो खरोश दीदनी। इस्लामाबाद में वोटिंग के लिए पहली बार बायोमेट्रिक का इस्तेमाल।